हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मनोज दे जैसे थंबनेल यदि आपकी वीडियोस के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो उनका एक थंबनेल जो है निकाल लेते हैं, देन हम उसको जो है रिक्रिएट करेंगे। तो हम सर्च कर लेते हैं उनका मनोज दे, और इनका जो लेटेस्ट वीडियो है इसका हम लिंक जो है कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे एक थंबनेल जो है इनका निकाल लेते हैं। तो हम सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल डाउनलोड, और यहाँ पे हम लिंक पेस्ट कर देंगे। देन जो थंबनेल है वो यहाँ पे आ चुका है, तो कॉपी इमेज कर लेंगे और फोटोशॉप में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू, देन साइज हमारा हम सिलेक्ट करेंगे 1920x1080, और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर देंगे। तो अभी हमको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इसकी जो साइज है वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये थंबनेल है। अब इसका हमको सेम थंबनेल को हम रिक्रिएट करने वाले हैं, तो दोबारा से इसको हम बनाएंगे सेम थंबनेल। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इनकी जो एक इमेज है वो डाउनलोड कर लेते हैं। हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मनोज दे, तो यहाँ से हम एक फ़ोटो कोई भी ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे इनकी ये फ़ोटो ले लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया, देन इसको लेकर के आएंगे हम यहाँ पे, और इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल जाके यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड कर देंगे। देन हमारे पास में ये यहाँ पे इनका जो PNG है वो यहाँ पे आ चुका है कटआउट, और इसको हम साइज़ एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। देन हमको यहाँ पे इस टाइप का देख रहे हैं आप पीछे, तो शेप ये आप अपने से क्रिएट भी कर सकते हैं पेन टूल की मदद से, बट यदि आप इसको क्रिएट नहीं करना चाहते तो इस टाइप के काफ़ी सारे शेप आपको देखने मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको सर्च कर लेना है टियर पेपर PNG, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे इस टाइप के आपको यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगी। तो जैसे कि ये एक इमेज आपको यहाँ पे देखने मिल रही है, तो इस टाइप से काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जो भी इमेज आपको बेस्ट लगती है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए ये इमेज है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो देखिए इस टाइप से हम इसको साइड में रख ले रहे हैं, और इसका एक डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ पे इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे। तो दोनों को मर्ज करने के लिए हमको Ctrl+E प्रेस करेंगे, तो दोनों इमेज देखें यहाँ पे मर्ज हो चुकी, तो हमारी ये एक सिंगल सॉलिड लेयर जो है बन चुकी है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको कलर ग्रेडियंट देखने मिल रहा है, तो सेम ऐसा कलर ग्रेडियंट आपको बनाने के लिए यहाँ पे आप एक शेप ले लीजिए। तो अब देखिए इसका जो कलर है वो हमको ग्रेडियंट चूज करना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको ग्रेडियंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे हम। देन इसके बाद में हमको जो कलर है वो चूज करना है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर हम क्लिक करेंगे, देन हमको यहाँ पे कोई भी कलर जो है चूज कर लेना है, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे इसको। अब आप देखेंगे हमारा जो कलर है ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे पीछे यहाँ पे रख लेंगे। तो हमारा जो ये शेप है इसको हमने यहाँ पे साइड में लगा लिया है जितना भी हमको चाहिए है। देन इस शेप लेयर को ऊपर लेकर के जाएंगे, और यहाँ पे हमको इसमें ऑल्ट बटन को आप प्रेस करके रखेंगे, और यहाँ पे जैसे कि इसके दोनों के बीच में लेकर के आएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। तो देखेंगे आप तो यहाँ पे ये जो इमेज है अल्फा हो चुकी है, देखे इस शेप के साथ में जो हमने क्रिएट किया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे जो अपनी इमेज है इसको ऊपर लेकर के आ जाएंगे इस शेप के। तो ये देखे यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट हो चुका है, और इमेज इसके ऊपर हमने अपनी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों को हम हाइड कर देते हैं यहाँ पे। अब हमको चाहिए है कि ये पीछे जो इमेज देख रहे हैं जैसे, तो आप पैसों के इमेज इस टाइप से आपको चाहिए, तो ऐसा हम कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से आपको काफी सारी इमेजेस देखने मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी इमेज एक डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे के लिए यदि हम देखेंगे इसमें, तो इसमें किस टाइप की इमेजेस हैं, 500 रुपीज वाली ज्यादा इमेजेस आपको देखने मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये वाली इमेज जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम राइट माउस क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे इस इमेज को, और हम फोटोशॉप में आएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो इसका जो हमें रिसाइज करना होगा थोड़ा, हमको जो साइज है इसके एडजस्ट कर लेंगे अपने सीन के अकॉर्डिंग, तो हमको इतना साइज रखना है। तो देन हम इसको यहाँ पे ओके कर देंगे, और अभी आप देखेंगे तो हमारा जो है इस टाइप से यहाँ पे सीन क्रिएट हो चुका है, तो इसको हम हाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि इस साइड में डार्क कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर है, तो इस टाइप का यदि आप ग्रेडियंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। देन आप यहाँ पे आएंगे इस वाले टूल में, तो इस टूल को आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो कलर है ये आपको चूज कर लेना। तो यहाँ पे जैसे कि हम इसको कलर चूज कर लेंगे ये डार्क कलर, और यहाँ पे यदि इस साइड की बात करें तो यहाँ पे हमको चूज कर लेना है लाइट कलर जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस कलर को हम चूज कर लेंगे, देन ओके कर देंगे हम। और इसको यहाँ पे जो ओपेसिटी है इसकी थोड़ा सा हम कम कर देंगे, 50% रख लेते हैं हम, और यहाँ की ओपेसिटी हम 100% रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 100%, देन इसको ओके कर देंगे। और हमको यहाँ पे इस जगह से लेकर के और यहाँ तक हमको इस टाइप से यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। देन आप देखेंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड था
ये था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हमने इस लेयर में जो है अपना जो ग्रेडियंट बना लिया है, और इसको हम यदि ऑन करेंगे लेयर को, तो अब देखिए इस टाइप से हमको कुछ दिखाई दे रहा है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क पार्ट चाहिए, तो इस लेयर को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे आगे की साइड थोड़ा सा लेकर के आएंगे इसको। अब देखिए यदि इस टाइप से आप बिना शिफ्ट के करेंगे तो आपका पूरा साइज ओवरऑल छोटा हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड करके आप इसको शिफ्ट प्रेस करके आप रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे डार्क साइड आपका जो है ज्यादा आ गया यहाँ पे, और जितना भी आपको चाहिए हो तो उतना आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे इतना चाहिए तो इसको हमने ओके कर दिया, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। देन इसके बाद में हम देखेंगे अगली प्रोसेस। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको इस टाइप का शेप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये सब यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे जो है आपको इस टाइप से टेक्स्ट लिखा हुआ, पीछे एक शेप बॉक्स है, और यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं। तो इस टाइप से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो चलिए अब यहाँ पे हम टेक्स्ट के लिए यहाँ पे जो शेप है वो क्रिएट करते हैं। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको एक शेप बॉक्स लेना है, रेक्टेंगल टूल हमने लिया, और यहाँ पे एक हमको शेप क्रिएट करना है इस टाइप से। देन इसका जो कलर है हमको चूज करना है वो कलर, तो सेम कलर हम चूज कर लेंगे इसके लिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बॉक्स का जो कलर है हमने यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इसका जो कलर है हम चूज करेंगे यहाँ से। तो हमने जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो पिक कर लिया है। देन हमको क्या करना है कि इसका जो साइज है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हमको लिखना है वो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेंगे। तो अभी हमको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे कि हमको जो टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मूवीज अपलोड, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ये हमने इस टेक्स्ट को बड़ा किया। देन हमको इसको जो फॉन्ट है हम इसको बोल्ड सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी बोल्ड फॉन्ट होंगे। तो ये देखिए हमको ये फॉन्ट सही लग रहा है, तो इस फॉन्ट को हम सेट करेंगे और यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा इटैलिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा इटैलिक कर देंगे। अब हमको जो कलर है इसका सेम चूज कर लेते हैं हम, ये यहाँ पे हमने सेम कलर चूज कर लिया, और हमको यहाँ पे करके यूट्यूब से लाखों कमाएं ये भी लिखना है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे गूगल पे, डालेंगे यहाँ पे गूगल टेक्स्ट इनपुट हमने यहाँ पे डाला। देन हमको हिंदी में टाइपिंग हमको करनी है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो भी हमको टाइप करना है वो कर लेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पे टाइप करना है करके यूट्यूब से लाखों कमाएं, यहाँ पे हम जो इसको लैंग्वेज जो यहाँ पे चेंज करके हिंदी कर लेंगे। देन यहाँ हम इंग्लिश टाइप करेंगे, इंग्लिश मतलब जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं वैसे टाइप करेंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि करके मैं लाखों कमाएं, अब देखें हमारा सेम जो है हमने ये टाइप कर लिया है यहाँ पे, से है सॉरी से। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे टाइप करेंगे यूट्यूब, ओके, इसको हम इंटर कर देंगे नीचे, और यहाँ पे स्पेस दे देंगे। अब हमको जो ये फॉन्ट है इसको जो है हमको चेंज करना है, थोड़ा बोल्ड नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो इसको हम बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आपको हिंदी फॉन्ट के लिए आपको क्या करना है, इस टाइप से यदि आप गूगल से फॉन्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक फॉन्ट जो है वो आपके पास में होना चाहिए, इसका नाम है खंड। आप सिंपली आप यहाँ पे ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, इसके जो फॉन्ट है वो फ्री में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, तो सिंपली आपको जाएंगे आप यहाँ पे, तो देखिए इस टाइप से आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड फैमिली में क्लिक कर देंगे, देन आपके पास में जो खंड का जो फॉन्ट है पूरा डाउनलोड हो जाएगा। डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर लें इसको फिर, तो इस टाइप से कुछ फॉन्ट आ जाएंगे आपको, तो ये सारे फॉन्ट जो है आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे तो इनको जो है हम चेंज कर देंगे खंड में। तो ये देखें ये हमारे बोल्ड हो चुके हैं। मूवीज अपलोड करके अब यहाँ पे हमको टाइप करना है YouTube से लाखों कमाए, हमारे ये देखे हो चुका है। अब यहाँ पे भी सेम फॉन्ट कर देते हैं हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो हमारा सेम फॉन्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखे इस टाइप से जो अपना टेक्स्ट जो लिख लिया है, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, साइज को एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे, और हमारा जो टेक्स्ट है इसको हम टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमको व्हाइट कलर रखना है सेम, तो यहाँ पे व्हाइट कलर हमने रख दिया। इसका व्हाइट कलर रखना है तो इसको भी हमने व्हाइट कलर कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इनका जो कलर है ये चेंज करना है तो इसका कलर हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे सेम कलर ले लिया। देन इसका भी कलर चेंज करना है तो इसका भी हमने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। अब देखें हमारा जो ये बॉक्स था ये क्रिएट होगा टेक्स्ट वाला बॉक्स। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ये टेक्स्ट और ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है आपको कीबोर्ड पे, और देन यहाँ पे क्लिक करके उसको ऊपर के साइड में थोड़ा सा ड्रैग कर देना है। ये देखें ऊपर के साइड जैसे ड्रैग करेंगे तो इस टाइप से हमारा जो पूरा बॉक्स है पूरा टिल्ट हो जाएगा। देन डबल क्लिक, और इसको हमको जो पोजीशन चाहिए है वो यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। तो जैसे हमारी ये पोजीशन है तो यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। देन इसको हमको लेके जाना है पीछे के साइड में, तो आप देखेंगे तो ये हमारा इमेज है, तो अभी हमको इसको लेकर जाना है इस इमेज के पीछे और इस शेप के पीछे। तो ये यहाँ पे हमने इसके जस्ट पीछे हमको रखना है। तो ये देखे हमने यहाँ पे इसकी जो पोजीशन रख दी है, और इसका जो साइज है वो हमको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसकी जो साइज है यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखे इसकी साइज हमने एडजस्ट कर ली, पोजीशन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आपको अच्छे से। हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया, टेक्स्ट वाला पार्ट हो गया,
और यहाँ पे ये शेप हो गया, इमेज हो गया, और पीछे का हमने इसका शेप लेयर भी क्रिएट कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, हम देख लेते हैं। अब हमको ये आइकन चाहिए है यूट्यूब का, और यहाँ पे ये अमाउंट जो मनी का जो नोट का जो आइकन है, इस टाइप से हमको चाहिए इमेज, और यहाँ पे 100% रियल। तो ये भी हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक शेप ऐड कर लेते हैं, इसका जो कलर है हम यहाँ पे रेड कलर दे देते हैं। और यदि आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेडियंट आपको देखने मिल रहा है। तो इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, शेप रेक्टेंगल में क्लिक करें, यहाँ पे कलर में जाएंगे और रेक्टेंगल में जाएंगे आप, इसका जो कलर है यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। ये चूज कर लिया अपने कलर, देन ये वाला जो कलर है यहाँ पे इसको चूज कर लेना है। अब ये देखिए थोड़ा सा एक रेक्टेंगल कलर यहाँ पे आ गया आपका, तो काफी अच्छा जो लुक है जो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। देन आपको यहाँ पे टाइप करना है 100% रियल। इसका जो कलर है हम रखेंगे व्हाइट, और इसको आप इस शेप के ऊपर लेकर के आ जाओगे, और इसका जो साइज है वो आप इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके हम अलाइन कर लेंगे सेंटर, और टेक्स्ट का साइज आप थोड़ा सा कम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे कम रख सकते हैं, थोड़ा छोटा यदि रखना चाहते हैं तो अब इन दोनों को हम यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। देखें अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे अटैच है, और यहाँ पे फॉन्ट जो इस टाइप से किया गया, तो इसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हो यदि आप साइज बढ़ाना चाहते हो। तो आप सिंपली क्या करते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके उसको ऊपर कर दोगे यहाँ पे, तो ये देखिए इस टाइप से आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा ये। अब दोनों को एक बार फिर से आप सेंटर लाइन कर लें। देन आपको क्या करना है कि आपका जो शेप है इसका जो स्ट्रोक है इसको ऑफ कर दीजिए, इसमें स्ट्रोक भी लगा हुआ है तो 1 पिक्सल का स्ट्रोक है, इसको यहाँ से हम बंद ही कर देते हैं। देन अब क्या करेंगे आप कि इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और साइज एडजस्ट कर लीजिए, जितना भी साइज रखना है जैसे कि आपको इतना रखना है। देन सेम चीज कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और इसको ऊपर के साइड में ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। अब देन क्या करेंगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस टाइप से देखने मिल रहा है ये शेप। सेम इस शेप का भी जो पीछे जो शेप है इसका भी आप जो स्ट्रोक ऑफ कर दीजिए, इसमें भी स्ट्रोक है तो इसको हम यहाँ पे ऑफ कर दे रहे हैं। देन हमारा यहाँ पे ये पूरा सेट हो चुका है, इसको थोड़ा सा हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे एक यूट्यूब का आइकन चाहिए है और यहाँ पे नोट का एक PNG है ना, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे यूट्यूब आइकन PNG हम सर्च कर लेते हैं। देन यहाँ पे हमको ये एक आइकन मिल चुका है, तो इसको हम सिंपली सेव कर सकते हैं या फिर आप कॉपी इमेज करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। और यहाँ पे जो इसका ब्लैक कलर है इसको रिमूव कर देंगे यहाँ पे हम, और इस आइकन को छोटा साइज करके और यहाँ पे लगा देंगे। तो बट आप देखेंगे कि ये जो आइकन है तो यदि आपको सोलो करना है तो ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे आप और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो केवल ये इमेज बस शो करेगी। तो यहाँ पे देखेंगे जो आइकन है तो यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट टाइप से आपको देखने मिल रहा है, थोड़ा सा ब्लेंडिंग टाइप का यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो इस टाइप से कैसे क्रिएट करें, तो इसके लिए सिंपली क्या करना है आपको कि इस जो आइकन है इसमें क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे आना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन जो आपको देखने मिल रहा है ये ऑन करेंगे। देन इसके बाद में यहाँ पे बेवल एंड एम्बोस को यहाँ पे ऑन कर देंगे आप, तो ये देखिए थोड़ा सा 3D लुक आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। और आपको यहाँ पे इनर शैडो पे आपको क्लिक कर देना है, तो और इसमें यहाँ पे ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप और डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो इस टाइप से आपको देखिए शैडो टाइप से देखने मिल रही है। और जो इसका एंगल है वो आप लेफ्ट साइड में कर दीजिए, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और इसके जो साइज है वो आप बढ़ा दीजिए और ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेंगे हम। और जो इसका बेवल एम्बोस वाला ऑप्शन है हम इसको जो डेप्थ है इसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे, साइज इसका थोड़ा बढ़ा देंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, इसका 27 रखा, इसका 32 रखा हुआ है और यहाँ पे इनर शैडो यहाँ पे हमने रखी हुई है। तो इस तरीके से हमने इसका जो एडजस्टमेंट है कर लिया, देन इसको ओके कर देंगे। तो अब देखेंगे आप तो इस टाइप से हमारा जो थोड़ा सा लुक सिमिलर आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, और इसको आप उसी तरीके से यहाँ पे टिल्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हमने इसको ओके कर दिया है। अब हमको एक इमेज चाहिए नोट की, वेक्टर PNG हम सर्च करेंगे, तो हमको काफी सारे यहाँ पे रूपी नोट वेक्टर PNG हम कर रहे हैं। तो देखिए इस टाइप से हमको काफी सारे यहाँ पे आइकन मिल गए, तो जैसे कि हमने यहाँ पे वेक्टर वाला इमेजेस पे क्लिक कर देते हैं पहले हम, और हमको इस टाइप से चाहिए आइकन थोड़ा है ना, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पे हमको जो है कुछ इमेज मिल गई है, तो यदि आप देखेंगे तो इस टाइप की इमेज हमारे वहाँ पे यूज की गई है, आप देखें थंबनेल में, तो ये देखें सेम इमेज इस टाइप की यूज की गई है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस इमेज को जो है कॉपी कर लेंगे, देन यहाँ पे आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमको ये वाली इमेज चाहिए तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्शन टूल से, देन इसको हम कॉपी और पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से कॉपी और पेस्ट, और इसके बाद में इस लेयर को हम डिलीट कर देंगे फिर हाइड कर देंगे। तो जैसे कि हमको नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे इसको हम इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देंगे। देन इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें वाटर मार्क दिया हुआ है, तो इस वाटर मार्क को हम यहाँ से इससे हीलिंग ब्रश से यहाँ पे हटा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वाटर मार्क भी हमारा रिमूव हो चुका है। देन हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे और साइज एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जितनी भी हमको चाहिए है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, तो देखिए इस टाइप से जो है हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा छोटा करके और इसको इस लेयर के पीछे लेके आएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए इसके पीछे लेकर के आ गए और इस टाइप से जो हमारा आइकन है यहाँ पे सेट कर दिया हमने। अब हम देखेंगे कि हमारा जो थंबनेल है, अब नीचे के साइड में हमको यहाँ पे 3 पोस्टर देखने मिल रहे हैं मूवी के, तो मूवी के पोस्टर आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। 3 मूवी पोस्टर हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, तो मूवी पोस्टर लिख देंगे हम। तो देखिए हमको काफी सारे यहाँ पे मूवीज पोस्टर मिल गए हैं, तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे जैसे कि एवेंजर्स का ले लेते हैं, हम कॉपी कर लिया हमने, देन यहाँ पे आकर के हम पेस्ट कर देंगे और हम ले लेते हैं एक
एक ये ले लिया हमने अलादीन, इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देंगे कॉपी इमेज, देन यहाँ पे आकर के पेस्ट। और एक और ले लेते हैं हम, तो एयरलिफ्ट ले लिया हमने, इसको कॉपी किया, देन यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देंगे। तो अब तीनों को हम एक साइज का बना लेते हैं, तो इनकी जो साइज है हम सबकी साइज सेम कर लेंगे। तो देखिए इसकी भी साइज हम यहाँ पे सेम कर लेते हैं, तो यहाँ पे तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे और इन तीनों को एक साइज, जो इनकी साइज है वो छोटा कर लेंगे, थोड़ा ऑलमोस्ट कुछ इतना रख लेंगे हम। तीनों की जो साइज है ऑलमोस्ट सेम हो चुकी है, तो यहाँ पे हम इनको एडजस्ट कर लेंगे। अब हमको इसमें क्या करना है कि इसमें स्ट्रोक लगाना हुआ, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना बॉर्डर लगी हुई है, तो ऐसे बॉर्डर लगाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, एफएक्स में आएंगे और देन यहाँ पे हम आएंगे स्ट्रोक पे। जैसे हम स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे हमको यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाएगा, देन हमको कलर चूज कर लेना है यहाँ पे। ओके करने के बाद में हमको यहाँ पे साइज दे देनी कितना स्ट्रोक चाहिए हमको, तो हम चूज कर लेंगे। और यहाँ पे आउटसाइड कर दीजिएगा आप, तो यहाँ पे हमको समथिंग 8 हमको रखना है, 8 पिक्सल रख लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको हम ओके कर देंगे। तो सेम हम इसमें क्या करेंगे कि कॉपी लेयर स्टाइल कर लेंगे, दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसमें हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए पेस्ट लेयर स्टाइल, तो इन दोनों में भी यहाँ पे हमारा जो है आ चुका है। तो सिंपली हमको क्या करना है कि इसको, इसकी जो पोजीशन है हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, कितनी हमें पोजीशन रखनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे इनको रोटेट करके इसकी जो पोजीशन है इस हिसाब से यहाँ पे सेट कर ली है। अब आप देखेंगे तो हमारे जो थंबनेल हैं इन सभी तीनों को सिलेक्ट करके हम ऊपर लेकर के आ जाएंगे इसमें। देखिए तो हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है, तो अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो है यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज हम नीचे कर लेंगे, और थोड़ा सा हमको इनकी साइज जो बड़ी लग रही है तो इनको सिलेक्ट करके हमने थोड़ा सा इनको छोटा कर लिया है, और इनकी जो डिस्टेंस है वो हम एक दूसरे से थोड़ा सा दूर कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो सिमिलर आपको यहाँ पे जो थंबनेल है वो देखने मिल रहा है। तो यदि हम देखें तो ओरिजिनल थंबनेल जो था हमारा ये था, और यहाँ पे हम देखेंगे तो अभी जो हमारा अभी थंबनेल हमने बनाया है तो ये बनाया हुआ, अभी इसका एक शेप बंद हो गया यहाँ पे, तो उसको हम ऑन कर लेते हैं। ओके ये रहा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ड्रॉप शैडो अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमने इस शेप में लिया, और देन यहाँ पे हमको क्या करना है कि एफएक्स में जाना है और यहाँ पे ड्रॉप शैडो में अप्लाई कर देना है, और इसकी जो डिस्टेंस ओपेसिटी वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम। देन यहाँ पे देख रहे हैं आप ड्रॉप शैडो यहाँ पे आ रही है, साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। और सेम साइज सेम चीज करेंगे हम यहाँ पे, तो इसमें भी हमको ड्रॉप शैडो डाल देनी है, और इसको हम सेम चीज इसकी कॉपी कर लेते हैं ड्रॉप शैडो, सेम चीज हम करेंगे यहाँ पे। इस बॉक्स में भी हमको ड्रॉप शैडो जो है डाल देनी है, यहाँ पे देखिए ड्रॉप शैडो आ चुकी है, और यहाँ पे भी आप इन सभी में भी सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रॉप शैडो इसमें अप्लाई कर दी, देन हम इसमें भी ड्रॉप शैडो डाल देंगे, और इस वाले पोस्टर में भी हम ड्रॉप शैडो डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेप्थ यहाँ पे क्रिएट हो जाती है ड्रॉप शैडो से। तो अभी देखेंगे तो आप यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट आपको थोड़ा सा सिमिलर देखने मिल रहा है, बट यहाँ पे जो आइकन यूज किए गए हैं तो इसको भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं काफी इजिली। तो चलिए हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डॉट्स आपको क्रिएट करने हैं उसके लिए सीधे क्या करना है आपको, फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक यहाँ पे एलिप्स टूल ले लेना है, देन यहाँ पे जूम इन कर लीजिए आप, और यहाँ पे आपको एक शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और आपको एक सर्कल बना लेना है, और इसका जो कलर है आप व्हाइट कर लीजिए अभी के लिए फिलहाल, देन आप बाद में जो भी चाहें वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया इस एलिप्स टूल को, स्ट्रोक जो है इसका बंद कर देंगे हम, और देन आप क्या करना है कि यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया इसको, और आपको इसको कंट्रोल जे करना है और शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो क्लिक कीजिए और देन कंट्रोल जे, और इसको थोड़ा सा आपको डुप्लीकेट कर लेना है। और सेम चीज है इन पांचों को सिलेक्ट करना है और आपको कंट्रोल ई प्रेस कर देना है तो सिंगल आ जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल जे करना है तो देन डुप्लीकेट आपको नीचे के साइड में आपको सेम कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपने जो है यहाँ पे शेप क्रिएट कर लिया, इनको फिर कंट्रोल जे कर देना है, फिर यहाँ पे कंट्रोल ई कर देना है, तो ये एक सिंगल शेप यहाँ पे आपका क्रिएट हो चुका है। तो देखिए इस टाइप से आपने यहाँ पे इजिली यहाँ पे वैसा ही सेम आपने इफेक्ट जो है क्रिएट कर लिया है। तो ये देखिए तो सेम इस तरीके से पॉइंट थे आपके, तो सेम यहाँ पे हमने भी क्रिएट कर लिए हैं। अब इनको आप छोटा बड़ा जो साइज है आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसकी ओपेसिटी जो है हम इसकी 50% कर देते हैं, यहाँ पे 30% जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं, और इसका एक डुप्लीकेट बना लीजिए कंट्रोल जे से एक डुप्लीकेट, और इसको यहाँ पे नीचे के साइड में यहाँ पे रख सकते हैं आप। और यहाँ पे इसका जो कलर है आप ब्लैक चूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट कलर है तो यहाँ पे ब्लैक अच्छा लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सेम इफेक्ट जो है इस टाइप से क्रिएट कर लिया है। तो ऑलमोस्ट जो है हमारा जो थंबनेल है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट बन चुका है। सिंपली हमको क्या करना है, जो इमेज है इसमें भी हम एक ड्रॉप शैडो डाल देंगे यहाँ पे। तो ड्रॉप शैडो हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जो एंगल है कुछ इस टाइप से हम चूज कर लेंगे इसका, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस वगैरह जो हम यहाँ पे साइज बढ़ा देंगे, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ पे, और ये देखेंगे तो हमारा जो ड्रॉप शैडो है ऑलमोस्ट यहाँ पे बेहतरीन यहाँ पे आ चुका है, और इसको हम ओके कर देंगे जितना भी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यदि हम देखेंगे थंबनेल को, तो ये हमने जो थंबनेल बनाया ये हमारा अभी थंबनेल हमने क्रिएट किया है, और पहले जो थंबनेल था तो ये देखिए इस टाइप से पुराना थंबनेल था, और यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया है तो ये यहाँ पे हमने थंबनेल क्रिएट किया है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो थंबनेल है बन करके रेडी हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।